हाय फ्रेंड्स लोग, कैसे हो? तो आज और एक वीडियो पोको M3 का, ये है हैंड कम वीडियो। तुम लोग देख सकते हो इस फ़ोन में हेड कैसा लगता है यार, बहुत प्यारा फ़ोन है। अभी ट्रेंडिंग पोको का, अभी यही फ़ोन ट्रेंडिंग चल रहा है। और पोको का और एक फ़ोन आने वाला है इसी महीने में, इसी महीने का 26 तारीख आने वाला है पोको का और एक फ़ोन। दोस्त लोग, ये वीडियो पोको M3 Pro 5G का एक महीने का बाद का है। अभी भी देख सकते हो कितना यार, गेम में फ़ोन में क्या चाहिए, एक गेम खेलने में क्या चाहिए, जो थोड़ा ही घुमाओ बहुत अच्छा तरह से काम करे। देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंट इसमें होता है। अगर फ़ोन का सेंसिटिविटी अच्छा हो, स्मूथनेस अच्छा हो, मोमेंट स्पीड अच्छा कर सकते हो तुम, तो हेड भी ज़्यादा मार सकते हो। और अगर ऐसा मोमेंट स्पीड दिखाओगे ना, तो एनिमी तुम्हारा बॉडी पे क्या उसका गोली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर तुम इधर उधर घूमोगे तो कैसे कनेक्ट करेगा? ऐसे ही करना। और ये जो पोको M3 फ़ोन में है ना, इस फ़ोन में ऐसा ही होता है, और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक फ़ोन पोको का आने वाला है। उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, हम वो भी बताएंगे उसका प्राइस कैसा है भाई। सो देखो, मज़ा आया। पोको एफ थ्री जी टी, हाँ, पोको का नेक्स्ट आने वाला फ़ोन पोको F3 GT। तुमने देख लिया, पोको का ऑफिशियल साइट में उसका अनाउंसमेंट हो गया, जो वो फ़ोन इसी महीने में आएगा, इसी महीने का 26 तारीख वो फ़ोन आएगा। तो जो लोग भी अभी वेट कर रहे हो नया फ़ोन के लिए, वो लोग थोड़ा और पैसा जमा करके रखो, क्योंकि पोको का जो फ़ोन आने वाला है ना, वो धमाकेदार होने वाला है। हाँ, वो फ़ोन धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उस फ़ोन में ऐसे फैसिलिटी पोको ने दिया ना, जो किसी फ़ोन में नहीं है। हाँ, किसी फ़ोन में नहीं है। उस फ़ोन में तुम गेम खेलने के टाइम ऊपर का स्विच ऑटोमेटिकली उस फ़ोन में दिया गया है, ऊपर का स्विच ऑटोमेटिकली है। हाँ, उस फ़ोन का तुम देख सकते हो, अभी वो फ़ोन बाहर लॉन्च हुआ है Redmi K40 के नाम से, लेकिन वो इंडिया में लॉन्च होगा रेडमी नहीं, पोको F3 GT के नाम से। उसका मॉडल देख सकते हो, सेम टू सेम मॉडल होगा। हाँ, इधर देखो, ऊपर जो स्विच है ना, उससे तुम गेम खेल सकते हो, वही करके एक्स्ट्रा कुछ लगाने का ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारा। उसका मॉडल भी देख सकते हो इस फ़ोन का, और उसका डिस्प्ले है 6.3 इंची सुपर एमोलेड डिस्प्ले का है, 120Hz रिफ्रेश रेट है भाई। तो बोलो, जाहिर कतई जाहिर वाला फ़ोन है। हाँ भाई, कतई जाहिर वाला फ़ोन है। तो इसका डिस्प्ले भी ज़्यादा बड़ा है, तुम देख सकते हो 6.7 इंची का डिस्प्ले है, 6.7 इंची का डिस्प्ले। जो लोग क्या बोलते हैं, वो आज उसका ROG Rock 5 लेके बहुत एक्साइटेड रहते थे, उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो अब एक्साइटिंग छोड़ दो, क्योंकि अब वो जमाना गया, अब आ रहा है पोको का F3 GT। हाँ, F3 GT जिसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड का, तो जिस फ़ोन का डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, तुम देख ही सकते हो, देख लिया तुम फ्रेंड लोग, जिसके पास भी है उस फ़ोन का क्या बोलते हो, बैटरी भी ज़्यादा नहीं खाता। हाँ, उस फ़ोन का बैटरी भी ज़्यादा नहीं खाता। सुपर एमोलेड डिस्प्ले फ़ोन में क्या बोलते हो, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, तुम धूप में भी ज़्यादा ब्राइटनेस करके गेम खेल सकते हो, सब कुछ अच्छा होता है उस फ़ोन का, सब कुछ अच्छा होता है। सो अभी ये फ़ोन, ये गेम प्ले तो पोको M3 Pro का है, तो पोको M3 Pro अंडर 50,000 में इतना अच्छा गेम होता है। तो सोचो, जब पोको का ब्रांड, हाँ पोको का ब्रांड, जो अभी पोको का बाप है, पोको F3 GT आने वाला है, जब वो आएगा तो क्या होगा? तो जो लोग पोको का वेट कर रहे हो, पैसा और जमा के रखो, क्योंकि अंडर 22,000 के अंडर ये फ़ोन आने वाला है। हाँ, 22,000 का अंडर ये फ़ोन आने वाला है। इसका प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 का है, तो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है 5G का ये फ़ोन, यही प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। इस फ़ोन में तुम सब कुछ करके खेल सकते हो, सब कुछ अल्ट्रा ग्राफिक्स करके खेल सकते हो, और एक साथ दो या तीन गेम रख सकते हो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं, लोग पबजी खेलते हैं, पबजी भी रख सकते हो, हमारा फ्री फायर भी रख सकते हो, GT भी रख सकते हो, तो जो दिल चाहिए वो रख लेना एक ही फ़ोन में, क्योंकि ये फ़ोन का पावर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है। सो फ्रेंड लोग,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और पोको F3 GT फ़ोन का गेम प्ले कौन कौन देखना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, सो टाटा।